और ये पूर्व। ठीक है, हम बात करें उत्तर की, तो यहां उत्तर में बिल्कुल कोणा गांव है, श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में बोरकुंडा, बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा गांव है। बात करें हम पूर्व की, तो पूर्व में धौलपुर का सिलाना गांव। ठीक है, और बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में यहाँ कटरा गांव। ठीक है, सम उप तहसील है, तहसील है, हाँ कटरा सम। ठीक है, जैसलमेर जिले का कटरा गांव है। अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। ठीक है, जबकि ये पूर्व और पश्चिम में अधिक चौड़ा है, तो पूर्व से पश्चिम इसकी कितनी है, 869 किलोमीटर। इन चारों बिंदुओं के अलावा एक मध्यवर्ती बिंदु भी बनता है। अगर इस जिले की बात करें तो ये नागौर जिला है। ठीक है, और गांव, हाँ कौन सा गांव है, हाँ वेरी गुड। भौगोलिक सर्वेक्षण के अनुसार इसको लोपोलाई या लापोलाई, ठीक है, और जीपीएस सिस्टम के अनुसार इसको मकराना गांव माना है। यानी भौगोलिक सर्वेक्षण जो किया गया है उसके अनुसार तो लोपोलाई, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसके अनुसार मकराना। ठीक है, हम बात करें कि राजस्थान का यहां वायव्य और यहां आग्नेय, ये जो कोणीय दूरी है ये कितनी है, तो ये है आपकी 850 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर इधर से पढ़ें, दिशाओं के बारे में हमने बताया था यहां कौन सी दिशा है और यहां नहीं रखते हैं। अगर इस कोण को देखें तो ये है आपकी 874 किलोमीटर। आपको देखने में प्रतीत हो रहा होगा कि ये कैसा है, इसका आकार कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, बात करें हम एक प्रसिद्ध विद्वान की, टी एच हैंडले। टी एच हैंडले के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति बताई है वो है रोहम्बस। यानी इसको कह सकते हैं हम पतंगाकार। एक बार देख लो पहले बोर्ड पे, भारत का उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्रीगंगानगर जिले में, दक्षिणी बिंदु की बात करें तो बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा जिले में। उत्तर से और दक्षिण की लंबाई की बात करें तो कितने किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। इसी तरह हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में कौन सा गांव, किस जिले में, धौलपुर जिले में। बात करें पश्चिमी बिंदु की तो पश्चिमी बिंदु में कौन सा गांव, कटरा गांव, किस जिले में, जैसलमेर में। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें तो हम इसको हम चौड़ाई कह सकते हैं। ठीक है, बाड़मेर नहीं होगा, बाड़मेर का बाखासर गांव जब हम पढ़ते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में आता है, कहीं आपके दिमाग में वो चल रहा हो, हाँ हो सकता है। जब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, यहाँ हिंदुमल कोट से लेकर और बाखासर गांव बाड़मेर तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, रेड क्लिफ वो है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु के रूप में कटरा गांव जैसलमेर का। ठीक है, इन दोनों की जो मध्यवर्ती चौड़ाई है वो कितनी है, 869। इसी तरह हम कोणीय स्थिति देखें तो वायव्य यानी उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व की जो कोणीय स्थिति है वो कितने किलोमीटर की है? 850। इसी तरह हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की देखें, यानी नैऋत्य से ईशान की, तो वो है आपकी 874 किलोमीटर। बिल्कुल एक मध्यवर्ती केंद्र भी बनता है। तो मध्यवर्ती गांव, जिले की बात करें तो, और गांव की बात करें तो, ठीक है, लापोलाई भौगोलिक सर्वेक्षण के अनुसार और जीपीएस सिस्टम के अनुसार मकराना गांव। ठीक है, बात करें हम आकृति की, राजस्थान की आकृति कैसी दिखती है, तो वैगनर सिद्धांत के अनुसार या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार देखें तो इसको विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहा गया है। बात करें हम एक विद्वान की, प्रोफेसर टीएच हैंडले, इनके अनुसार इन्होंने लैटिन वर्ड दिया है रोमबस। ठीक है, रोमबस का अर्थ होता है यानी पतंग के समान आकृति। तो उतार लो इसको। ये प्रश्न ऐसे होगा आपका कि राजस्थान का वायव्य व आग्नेय कोण की दूरी कितनी है। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की कोणीय दूरी क्या है। एक ही मतलब है, वायव्य लिख दिया तो वायव्य इसी दिशा को तो कहते हैं, उत्तर पश्चिम को, और आग्नेय लिख दिया तो आग्नेय किसको कहते हैं, हमने दिशाओं में पहले पढ़ा था, दक्षिण पूर्व को है? अच्छा, पहले क्लास नहीं लिया कोई। पहली क्लास ली होगी, उनको भी आधे को याद होगी, है ना। चलिए बताइए, तो विश्व के संदर्भ में भारत की, ओ, राजस्थान की क्या स्थिति है? विश्व के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति देखें हम, तो राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है? ग्लोब पर कहाँ है? ग्लोब पर, हाँ, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को हमने क्या नाम दिया था? पढ़ लिया जिनका ये हाल है, घर जाके इनको पढ़ा भी करो, बिना पढ़े कुछ याद नहीं होगा। यहां समझा दूंगा, एक बार बता दूंगा, लेकिन इसका घर जाके रिवीजन करोगे तभी कुछ याद होगा। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम है और ये दक्षिण पूर्व है, उसको वायव्य कहते हैं और इसको आग्नेय कहते हैं। ये दक्षिण और ये पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। उतार लिया, रोम्बस आकार आकृति किस विद्वान ने बताई है राजस्थान की? टीएच हैंडले ने। वैगनर सिद्धांत के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान के जिलों की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के समान, राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? लगभग राजस्थान के जैसी ही स्थिति इसकी बनती है। बात करें अर्धचंद्राकार, वेरी गुड, अर्धचंद्राकार कह दें, कटोरे नुमा कह दें या प्याले नुमा कह दें, एक ही बात कौन सा जिला? सीकर। ठीक है, त्रिभुज के समान अजमेर,
आयत के समान यानी आयताकार, भीलवाड़ा, सप्त बहुभुज, जैसलमेर, धनुषाकार, धनुष के आकार का दोसा, बतख के समान धौलपुर, जो पानी पीने की सुरही होती है उसके समान आपका जयपुर, ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर, कश्मीर के समान अजमेर, मयूर के समान जोधपुर, घोड़े के नाल के समान रावत भाटा चित्तौड़, वहीं हम बात करें इल्ली के समान तो चित्तौड़गढ़, माथे के तिलक के समान की अगर बात करें तो राजसमंद। इतने याद कर लेना बहुत है। देखिए राजस्थान की स्थिति के समान जो स्थिति रखता है वो है आपका टोंक, अर्धचंद्राकार यानी कटोरे नुमा या प्याले नुमा हम उसको कह सकते हैं, वो है आपका सीकर। बात करें हम त्रिभुज के समान, राजस्थान की जो अजमेर जिला है वो त्रिभुज के समान यानी त्रिकोण स्थिति रखता है, आयत के समान भीलवाड़ा, सप्त बहुभुज या विषम कोणीय जिसको कह सकते हैं वो जैसलमेर। बात करें धनुष के आकार का, धनुष के आकार का दोसा, बतख के समान धौलपुर, सुरही के समान जो पानी पीने की सुरही आती है मिट्टी की बनी होती है उसके समान जयपुर, बात करें ऑस्ट्रेलिया के समान तो उदयपुर, बात करें कश्मीर के समान अजमेर, मयूर के समान जोधपुर, घोड़े के नाल के समान जो राजस्थान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का जो विखंडित भाग है वो घोड़े के नाल के आकार की स्थलाकृति निर्मित करता है, यानी रावत भाटा जो क्षेत्र है चित्तौड़ का जो कोटा के साथ लगा हुआ है उसकी आकृति कैसी है, घोड़े के नाल के समान, जबकि चित्तौड़गढ़ जिले की कैसी है, इल्ली के समान, ठीक है, तिलक के समान राजसमंद। तो इतना याद कर लेना बहुत है। उतार लिया,
बढ़िया के। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया के समान किस जिले की आकृति है? तिलक के समान, अर्धचंद्राकार और हूबहू राजस्थान के समान, धनुष के समान, दयापुर, दौसा और उदयपुर धनुष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम राजस्थान की विस्तार। राजस्थान का विस्तार, विस्तार की बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, चलिए बताइए कितना है? 342,000। ये आपका एकदम राइट है। अगर उसमें 0.74 दे रखा है और आपने टिक नहीं करा, यानी 342,239 ही किया, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि आरएएस में पूछा गया था ये प्रश्न कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। वास्तविक रूप से देखते हैं हम तो इसका क्षेत्रफल है 342,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें इसी को कि वर्ग मील में कितना है, कितना हो गया? 132,139 वर्ग मील। अगर हम बात करें इसको कि विश्व का कितने प्रतिशत है, विश्व का अगर स्थल मंडल और जल मंडल दोनों को काउंट करते हैं हम, स्थल मंडल प्लस जल मंडल, तो ये हो जाता है 0.067%। ठीक है, वहीं हम बात करें केवल स्थल मंडल की, केवल स्थल मंडल का कितने प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा आपका 0.25%। ठीक है, वहीं हम बात करें कि एशिया का कितना प्रतिशत है, तो एशिया का ये हो जाएगा 10.41%। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 342,239.74 या 74 वर्ग किलोमीटर। वहीं वर्ग मील में पूछे तो 132,139 वर्ग मील। ठीक है, विश्व के संदर्भ में पूछे यानी स्थल मंडल और जल मंडल का कुल कितना है, तो या यूं भी कह सकता है कि ग्लोब का कितना प्रतिशत भूभाग रखता है, तो 0.067। ठीक है, वहीं हम बात करें कि केवल स्थल मंडल यानी महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, जो तकरीबन 29% है, उस क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग रखता है, तो 0.25%। बात करें कि एशिया महाद्वीप का कितना रखता है, तो 0.75%। बात करें भारत की कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसका अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 10.41%। अगर इसी आधार पर देखें हम, क्षेत्रफल के आधार पर ही, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और ये कब बना, हाँ 1 नवंबर सन 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को भारत का सबसे बड़ा राज्य बना क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा? राजस्थान। यही राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो 10% से अधिक क्षेत्रफल रखता है। भारत के जो 29 राज्य हैं, उन 29 राज्यों में से एकमात्र एक राज्य है जो 10% से अधिक क्षेत्रफल रखता है।
लिखिए दो लाइनें। मैंने सोचा अब तक कर लिया होगा अपने काम, क्योंकि लिखने का काम पहले कर लेते हो। बिल्कुल चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। उतार लिया। क्वेश्चन लिखिए। राजस्थान के क्षेत्रफल के संबंध में सही कथन नहीं है। क्षेत्रफल के संबंध में सही कथन नहीं है। पहली लाइन लिखिए, यह संपूर्ण विश्व का जीरो पॉइंट 25% भूभाग रखता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसका क्षेत्रफल या राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील है। 1,32,139 वर्ग मील है। नेक्स्ट सी में लिखिए, यह भारत का 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला यह भारत का 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र राज्य है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी के बाद या मध्य प्रदेश के बाद आता है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत होगा? चौथा गलत होगा। देखिए, हमने विश्व के संदर्भ में बोला है, विश्व के संदर्भ में जरूरी नहीं है कि वो कौन से स्थिति, स्थल मंडल और जल मंडल दोनों पढ़े। यहां विश्व के संदर्भ में स्थल मंडल भी पढ़ सकता है वो, ठीक है? तो स्थल मंडल का कितने प्रतिशत हो रहा है? 0.25, ठीक है? अगर हम बात करें चौथे कथन की, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पहले एमपी था, लेकिन अब राजस्थान है। तो ये चौथा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
इस तरीके से कथन के रूप में भी आपको दे सकता है। आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट में आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन, बाकी तो दे रहे होंगे शायद, दिए जा रहे हैं टेस्ट पेपर आपको, दिए जा रहे हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन भी किस तरीके के आएंगे और क्या होंगे उसमें दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान की स्थिति, वो विस्तार जो है, कुल क्षेत्रफल है 342,239.74 वर्ग किलोमीटर, वो विश्व के कितने देशों से बड़ा है? विश्व के कुल 128 देश हैं जिनसे राजस्थान बड़ा है। अगर इसी संदर्भ में हम बात करें तो जो जापान है और जर्मनी है उसके लगभग बराबर है राजस्थान। ठीक है, वहीं हम बात करें नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, इनका लगभग 1.5 गुना है। ठीक है, वहीं हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से 2 गुना है। बात करें हम चेकोस्लाविया की, बात करें हम नेपाल की, तो नेपाल से भी ये 2.5 या 3 गुना बड़ा है। बात करें हम श्रीलंका की, तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। बात करें हम इजराइल की, तो इजराइल से 17 या 13 गुना बड़ा है। 17 और 13 का क्या कन्फ्यूजन है? अगर हम फिलिस्तीनी क्षेत्र को मिला देते हैं, यानी जो विवादित क्षेत्र है उसको हम मिला देते हैं तो 13 गुना हो जाता है, और अगर उसको सम्मिलित नहीं करते हैं तो 17 गुना होता है। ठीक है, कुल पूछे कि विश्व के कुल कितने देशों से बड़ा है, तो 128 देशों से है। विश्व में कुल कितने देश हैं? 206। हाँ, जबकि यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 193 राष्ट्र। श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। लिख लिया, ब्रिटेन से। एक ऐसा राष्ट्र जिसने संपूर्ण विश्व जगत पर राज किया था, जो राजस्थान का आधा ही है, और आप राजस्थानी दुगनी जनसंख्या रखते हो, दुगना क्षेत्र रखते हो, और आप क्या कर रहे हो, दुनिया में इतने पिछड़ते जा रहे हो है? कुछ करो। अभी हमारे एक साउथ के वैज्ञानिक हैं, डी कुमार स्वामी, जो कल ही शायद पेपर में आया था, पढ़ा हुआ आपने, उसने जो डिजिटल वाटर है, ठीक है, उससे वाहनों को चलाने के लिए वो किया है, इंजन तैयार किया, यानी इकोलॉजिकल फ्रेंडली सिस्टम है वो, ना तो प्रदूषण फैलेगा और ना ही ज्यादा खर्च आएगा। तो इस तरीके का कुछ आप भी यानी इन्वेंशन करो है, पीछे क्यों हो राजस्थानियों? हाँ हूं ना, मैं प्रयास कर रहा हूं एक आप लोगों को कुछ सिखाने का। तो संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में कितने देशों से बड़ा है? 128
28 देशों से। वहीं हम बात कर रहे हैं कि भारत के समीपवर्ती देश जैसे नेपाल है, नेपाल से कितना बड़ा है? 2.5 गुना। चेकोस्लाविया की बात करें तो 2.5 गुना। श्रीलंका की बात करें तो 5 गुना। इसराइल की बात करें तो 17 गुना। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजस्थान की सीमाओं की। राजस्थान की सीमाओं की बात करें तो कुल सीमा, कुल जो स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की सीमाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय और दूसरा अंतर राज्य। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान प्लस पाकिस्तान के साथ बनाता है। इसका जो नाम है वो है रेड क्लिफ। बात करें इसके निर्धारण की, कि इसका निर्धारण कब किया गया? सत्रह अगस्त 1947 को। किसने किया? सर सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है, बात करें कुल लंबाई की तो 1,070। इस 1,070 की बात करें, इसकी तुलना करें 5,920 से, तो ये कितने प्रतिशत है? कुल स्थलीय सीमा का 18.07% है। या कहें कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल स्थलीय सीमा की कितने प्रतिशत है? 18.07%। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सैतालीस। ठीक है, अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की प्रारंभ की, तो प्रारंभ होता है हिंदू मलकोट से, श्रीगंगानगर में है, और यहां से इसका प्रारंभ होता है, और बाड़मेर के बाखासर में इसका अंत होता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1,070 किलोमीटर। अगर इसी को हम प्रतिशत में देखें तो 18.07%। वहीं हम बात करें कि राजस्थान के साथ कौन-कौन से, राजस्थान के कौन-कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इधर आपका है पाकिस्तान और इधर आपका राजस्थान। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जो जिला है वो है श्री गंगानगर, जो कि कुल 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद आता है आपका बीकानेर। बीकानेर आपका 168 किलोमीटर यानी न्यूनतम सीमा बनाता है। बात करें नेक्स्ट की जैसलमेर, तो जैसलमेर बनाता है आपका 464 किलोमीटर। और नेक्स्ट की बात करें तो आपका है बाड़मेर, 228 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ध्यान रखना है, इनका क्रम भी आपको याद रखना है। वैसे अगर यही याद रखना है कि चार कौन कौन से हैं, तो SBBJ बैंक को याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा।
ऐसे श्रीगंगानगर, बी से बीकानेर और बी से बाड़मेर और जे से जैसलमेर। अब बात करें कि न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है, तो बीकानेर न्यूनतम सीमा बनाता है 168 किलोमीटर। वहीं अधिकतम की बात करें तो जैसलमेर 464 किलोमीटर अधिकतम सीमा बनाता है। अब इसी आधार पर वो आरोही या अवरोही क्रम भी पूछेगा। तो कैसे होगा इसका, अगर आरोही क्रम की बात करें तो आरोही के बारे में हमने ये उतार लिया, इसको उतार। हाँ उतार लिया हो, देखिए अगर इसके आरोही या अवरोही क्रम की बात करें तो आरोही जो क्रम होगा वो यानी बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम कैसे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे कम बीकानेर, सबसे कम किसकी है, फिर बीकानेर के बाद श्री गंगानगर, उसके बाद बाड़मेर और उसके बाद जैसलमेर। ये तो हो गया सीमा की कुल लंबाई के आधार पर आरोही क्रम। अब बात करें अवरोही की, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा इसका विपरीत, जैसलमेर बाड़मेर गंगानगर और बीकानेर। ठीक है, ये इसका हो गया अवरोही क्रम। तो ये दोनों ही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। तो जब आरोही पूछे तो बीकानेर गंगानगर बाड़मेर जैसलमेर, क्योंकि बीकानेर की 168, 200, बाड़मेर 228 और जैसलमेर 464 किलोमीटर। इस तरीके से ये इसका आरोही क्रम हो गया। वहीं अवरोही क्रम की बात करें तो जैसलमेर, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले बड़े को लिखेंगे तभी तो घटेगा, तो सबसे पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो चार जिले हैं इनकी कितनी तहसीलें, कितनी तहसीलें, कुल सीमावर्ती तहसील, तहसील कितनी लगती है। जिले तो हम आज तक पढ़ते ही आए हैं लेकिन तहसील कितनी लगती है, 12। कौन कौन सी लगती हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिला था श्री गंगानगर, कितनी है, चार नहीं है, पांच है। ठीक है, गंगानगर, श्री गंगानगर की गंगानगर तहसील, कर्णपुरा, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, गढ़साना, ये पांच तहसीलें श्रीगंगानगर की हैं।
उसके बाद हम बात करें तो दूसरा जिला लगता है बीकानेर। बीकानेर की दो तहसीलें हैं, कोलायत और खाजूवाला। वहीं हम बात करें तीसरा जिला जैसलमेर, तो जैसलमेर की दो तहसीलें, जैसलमेर और पोखरण। बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर की सीव, रामसर और चौहटन तहसील लगती है। इस तरीके से कुल राजस्थान के 4 जिलों की 12 तहसीलें सीमा बनाती है। श्रीगंगानगर की 5 तहसीलें हैं, गंगानगर, कर्णपुरा, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ और गढ़साना। बीकानेर की कोलायत और खाजूवाला। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर और पोकरण। बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर की 3 तहसीलें हैं, सिव, रामसर और चौहटन। इस तरीके से कुल 12 तहसीलें और 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के स्थित हैं। कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1,070 किलोमीटर, जो संपूर्ण स्थलीय सीमा की, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है 5,920, उसका 18.07% भाग है। ठीक है, यहां तक राजस्थान के संबंध में क्लियर। अब देखिए यहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर किस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। ये स्थिति पूछी जा सकती है आपसे कि इसका अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही या अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, हो गया एक तो आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटे को लिखेंगे बीकानेर, बीकानेर के बाद गंगानगर, गंगानगर के बाद बाड़मेर और उसके बाद जैसलमेर। ये तो हो गया आपका आरोही क्रम। अब बात करें अवरोही क्रम की, यानी घटते हुए क्रम की। तो सबसे पहले जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद गंगानगर और उसके बाद बीकानेर। ठीक है, वहीं बात करें कि उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है इसका। देखो अभी तो आरोही अवरोही पूछ रहा था, अब ये उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसी तरह दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। इस तरीके से एक प्रश्न और भी रख सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 ही जिले हैं और इनका क्षेत्रफल के आधार पर क्या क्रम है, तो ये भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बीकानेर के बाद। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भी आपसे क्रम पूछा जा सकता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। ठीक है, यहां तक स्थिति क्लियर। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले लगते हैं, ये मिटा दूं। राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान लगता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो दो प्रांत लगते हैं, एक पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। ठीक है, पंजाब प्रांत के साथ 3 जिले लगते हैं और सिंध प्रांत के साथ 6 जिले लगते हैं। अब वो पंजाब प्रांत के साथ 3 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे जो उत्तर में लगता है
बहावल नगर, दूसरा जो है बहावलपुर, तीसरा जो है रहीम यार खान। अब बात करें हम सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत के अंतर्गत 6 जिले लगते हैं। 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहले घोटकी, संघर, खैरपुर, ओ सॉरी, सुकुर, संघर, पांचवें नंबर पर उमरकोट और छठे नंबर पर थार पारकर। ठीक है, इस तरीके से कुल पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, 3 पंजाब प्रांत के और 6 सिंध प्रांत के। अगर पंजाब प्रांत की बात करें तो बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। वहीं बात करें हम सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत के अंतर्गत घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी है, ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण जो क्रम की अगर बात करें कि यहां सबसे पहले श्रीगंगानगर के साथ बहावल नगर लगता है, फिर बीकानेर के साथ बहावलपुर, फिर जैसलमेर के साथ बहावलपुर, ठीक है, उसके बाद लगता है खैरपुर, सुकुर, घोटकी, खैरपुर, और खैरपुर से ही बाड़मेर की सीमा शुरू होती है, यानी खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर, ये बाड़मेर के साथ लगते हैं। इस तरीके से कुल 9 जिले हैं, इनका क्रम याद रखना है तो यही होगा, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। इनमें अगर सर्वाधिक की बात करें कि इन जिलों में सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, तो सर्वाधिक बनाता है आपका बहावलपुर। सर्वाधिक सीमा बहावलपुर की, और न्यूनतम सीमा की बात करें तो आपकी होगी खैरपुर। ठीक है, अगर 9 ही जिले याद रखने हैं तो एक लाइन याद रख लेना, रहीम खैर की बीबी सुथाऊ घोष, आपके 9 जिले इसमें आ गए। रहीम खैर की बीबी सुथाऊ घोष। सुथाऊ घोष, देखो रहीम, रहीम यार खान, ठीक है, खैर से खैरपुर, की को साइलेंट रख दो, बी से बहावल नगर और बहावलपुर बीबी, ठीक है, सुथाऊ, सु से सुकुर, और थ से थार पारकर, और उ से उमरकोट। घोष की बात करें तो घोटकी और संघर, ठीक है, इस तरीके से 9 जिले तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इनका क्रम याद रखना है तो इसी तरीके से याद रखना होगा कि उत्तर से दक्षिण क्या क्रम है, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। अब इनमें से एक चीज और याद रखनी है आपको कि कौन कौन से जिलों के साथ ये कौन कौन से जिले लगते हैं। राजस्थान के तो 4 ही जिले हैं, ये 9 जिले हैं, तो कौन कौन से किसके साथ सीमा बनाते हैं उसकी भी चर्चा हम करते हैं। यहां तक लिख लिया,
तो सबसे पहले कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के साथ हम बात करें तो पाकिस्तान का जो जिला लगता है वो है आपका सबसे ऊपर बहावल नगर। उसके बाद आपका जिला आता है बीकानेर। बीकानेर के साथ अगर बात करें तो बहावलपुर। तीसरे की बात करें तो तीसरा जिला आता है जैसलमेर। बहावलपुर का कुछ क्षेत्र जैसलमेर के साथ लगता है। उसके बाद जैसलमेर के साथ घोटकी, उसके बाद सुकुर, उसके बाद खैरपुर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट जिला आता है बाड़मेर, और बाड़मेर के साथ खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर, ये जिले लगते हैं। इस तरीके से सीमाओं का निर्धारण होता है। हाँ, कुछ क्षेत्र बीकानेर के साथ लगता है और कुछ क्षेत्र जैसलमेर के साथ। तो हमने राजस्थान की विस्तार यानी सीमा के बारे में चर्चा की। कुल स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं तो कितने किलोमीटर है? 5,920 किलोमीटर। इसमें से अगर बात करें हम कि जो सीमा है किस तरह की सीमा बनाता है राजस्थान, तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा बनाता है, कोई भी जलीय सीमा नहीं बनाता। अगर जलीय सीमा की हम बात करते हैं तो अरब सागर हमारे नजदीक पड़ता है और अरब सागर से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी राजस्थान की है। वहीं हम बात करें कच्छ की खाड़ी से, कच्छ के रण से, तो 225 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ जाता है। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, जो कि हिंदू मल कोट से प्रारंभ होती है श्रीगंगानगर से और बाखासर गांव बाड़मेर में खत्म होती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 1,070 किलोमीटर है। 1,070 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा यानी 5,920 का कितने प्रतिशत है? तो 18.07%। बात करें हम कितने जिले राजस्थान के संलग्न है सीमा पर, तो चार हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनमें बात करें कि श्रीगंगानगर कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 210। बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। अब इनका आरोही और अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। तो आरोही क्रम क्या होगा? बीकानेर, बीकानेर के बाद गंगानगर, गंगानगर के बाद और उसके बाद जैसलमेर, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है आरोही क्रम। अब घटता हुआ क्रम भी पूछ सकता है, तो घटता हुआ क्रम क्या होगा? जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। फिर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण होगा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसी तरह दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। एक और पूछेगा तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सीमावर्ती जो जिले हैं उनका क्रम क्या है। तो आरोही और अवरोही दोनों तरीके से पूछ सकता है उस क्रम को। तो आरोही की अगर हम बात करें यानी बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो सबसे पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये तो हो जाएगा आरोही क्रम। अब बात करें क्षेत्रफल की अवरोही क्रम की यानी घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, इस तरीके से क्षेत्रफल का हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि श्रीगंगानगर और बाड़मेर
ये दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की सीमा बनाते हैं, यानी इधर पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और इधर ये बाड़मेर गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये बाड़मेर और श्रीगंगानगर अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की सीमा बनाता है। अब बात करें कि केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, तो दो जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय वाले तो श्रीगंगानगर और बाड़मेर। अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक लंबी अगर बात करेगा तो बाड़मेर, क्योंकि 228 किलोमीटर बना रहा है, और छोटी की बात करेगा तो श्रीगंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्य में भी लंबा और छोटा पूछ सकता है, तो लंबा हो जाएगा बाड़मेर और छोटा हो जाएगा श्रीगंगानगर। अगर क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछता है तो बाड़मेर बड़ा है और श्रीगंगानगर छोटा है। ठीक है, वहीं हम बात करें कि केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं, तो दो जिले बनाते हैं, एक बीकानेर और एक जैसलमेर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करें कि पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, तो पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, जबकि दो राज्य लगते हैं, एक पंजाब राज्य और एक सिंध राज्य। ठीक है, पंजाब राज्य की बात करें तो इसके 3 जिले लगते हैं, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। वहीं सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत के साथ 6 जिले लगते हैं, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर। ठीक है, ये 9 जिले लगते हैं टोटल। अगर इन 9 जिलों में सबसे लंबी की बात करें कि सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, तो बहावलपुर। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो खैरपुर। हाँ, बिल्कुल। कैसे हुई कम? आप देखो, यहां कितना है 168, और यहां कितना है, पिछले 10 मिनट से यही रिवाइज कर रहा हूं। क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल के आधार पर ये होगा ना, वो ऐसे नहीं पूछेगा क्षेत्रफल किस जिले का अधिक है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, या यूं कहेगा कि अंतरराज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा जिला सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय, तो आएगा बाड़मेर। बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा बना रहा है, और गंगानगर कितनी बना रहा है, 210 किलोमीटर। तो इनमें वो न्यूनतम हो गया, वो जब अंतरराज्य की बात करेंगे ना, हम अंतरराज्य सीमा की बात करेंगे तब आएगा न्यूनतम, तब अंतरराज्य सीमा में न्यूनतम आ जाएगा बाड़मेर आपका। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, अवरोही अवरोही। समझ में नहीं आया, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं, समझने के लिए तो लगे हैं। लाइट गई, ये गेट खोल दो, रोशनी आ जाए। ठीक है, दिख रहा है ना, आरोही और अवरोही दो क्रम है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। ठीक है, अब हम आरोही और अवरोही किस किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो कुल जो सीमा लगती है उस सीमा के आधार पर, यानी लंबाई के आधार पर, सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, जैसलमेर की। तो जैसलमेर की सबसे अधिक सीमा है, अधिक से और कम की तरफ आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, अवरोही क्रम। अधिक से और कम की तरफ यानी घटते हुए क्रम के आएंगे तो अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले